गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि कल हमने 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया, प्रीवियस वीडियोस में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.1। आज हमें बात करनी है एक्सरसाइज 2.2 के बारे में, कुछ एप्लीकेशन है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। और आप लोगों ने सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि आप लोग अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आप कमेंट में बताइए कि सर मुझे नहीं पढ़ना है, मैं झूठे परेशान हूँ, फालतू में परेशान हो रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। आप लोग ये फाइनली लिख के मुझे बता दीजिए, सर मुझे नहीं पढ़ना है, आई कांट अंडरस्टैंड अबाउट योर वर्क, सो मैं भी वीडियोस बनाना बंद कर दूं, जैसे अन्य टीचर्स देते हैं, अन्य स्कूलों में दिया जाता है, सिर्फ रिटन नोट्स दे दिया जाता है, रिटन नोट्स मैं भी प्रोवाइड कर दूं, मैं क्यों बोर्ड पे खड़ा हो गया, इतना अपनी एनर्जी लॉस करूं। तो आप लोग कम से कम वीडियोज को देखिए, पूरा लास्ट तक देखिए, कमेंट करिए, और पूरा का पूरा जो भी हम पढ़ा रहे हैं नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट्स बना के हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करिए, जिससे मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे। अगर नहीं पढ़ना है तो भाई बात ही अलग है, मत पढ़ो आप, हमारा क्या है, हम भी अदर जो देखेंगे दो चार वीडियोस में, अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिला तो पढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो मैं कंटिन्यू करने वाला नहीं हूं। ओके चलते हैं, आप यहां एप्लीकेशन देख लेते हैं कुछ एप्लीकेशन के बारे में। व्हाट शुड बी एडेड टू प्राइस द रजिस्टर नंबर, देखिए आप स्टेटमेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, स्टेटमेंटल प्रॉब्लम में मुझे ये निकालना होगा क्या है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, देन आफ्टर हम क्या करते हैं एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस, एग्जांपल नंबर फिफ्थ है, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3, एक -7/3 है, क्या है -7/3 है, इसमें मैं क्या जोड़ दूं, कुछ जोड़ना है ठीक है, टू गेट कि मैं पा जाऊं 3/7 इस तरह से ठीक है, इस नंबर में क्या जोड़ दिया जाए कि भाई ये मिल जाए, लेट क्या कहते हैं, लेट एक्स बी एडेड इन द गिवन रेशनल नंबर, एक्स बी अ नंबर, एक्स इज अ नंबर इन विच वी एड, हम ऐड करते हैं, एक्स हमने मान लिया क्या कोई नंबर है जिसको हमें इसमें ऐड करना है ठीक है, अब ऐड करते हैं ट्वाइस, क्या है ये बोला है ट्वाइस, इसका दो गुना, अभी बताता हूं इसको सॉल्व करता हूं, तो टू इंटू में जो रेशनल नंबर है हमारा कौन सा है -7/3, ये हमारा रेशनल नंबर है, इसमें कुछ ऐड कर दिया जाए, क्या ऐड कर दिया जाए, हमने माना था एक्स ना, एक्स एक नंबर माना है ना, ये एक्स को ऐड कर दिया जाता है, तो हमने ये एक्स को ऐड कर दिया ठीक है, प्लस एक्स कर दिया, क्या ऐड कर दिया, एक्स ऐड कर दिया, अब क्या मिलना चाहिए हमें, ये मिलना चाहिए 3/7 ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको, इतना ऐड करने पे ये मिलना चाहिए, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 14 -14/3 ठीक है, जब हम कभी मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल और केवल मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, न्यूमरेटर इसके नीचे कुछ नहीं होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना तो सबको पता है कि आप लोग क्लास 8th में पहुंच चुके हो ठीक है, अब मुझे उंगली पकड़ के चलाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आप लोगों की उंगली पकड़ के लेके चलूं, बेटा यह दो कदम चलना है, तीन कदम चलना है ठीक है, तो कुछ चीजें आपके कॉमन सेंस में है, इसको आप देखिए 2/2 से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये हो गया प्लस में एक्स कर दिया इज इक्वल टू 3/7, मैंने ये बोला था जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है उसको एक तरफ कर लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू एक तरफ कर दिया, जो है यहां पे वो कर देता हूं 3/7, और ये इधर माइनस में था इधर जाएगा, ये पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगा 14/3 ठीक है, फिर क्या करते हैं इसको, फिर करते क्या है भाई, एलसीएम लेते हैं ना, इधर लिख देता हूं एलसीएम ले लेता हूं मैं, एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, एलसीएम लूंगा 7 3 21, इसको भी 21 बनाएंगे तो भाई 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 3 होता 9 प्लस 14 7 14 × 7 करेंगे, 14 7 कितना होता है, 14 7 भाई 98 ना, 14 7 98, फिर ऐड कर लेंगे 98 और ये 98 प्लस 9, 98 प्लस 10 क्या होता है 108, तो ये हो जाएगा 107/21, अगर ये कटता है तो आप काट लीजिए, अगर नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए ठीक है, कटता है तो काट लीजिए और नहीं कटता है तो आप छोड़ दीजिए, आई होप ये कटेगा नहीं ठीक है, तो ये हमारा जो नंबर होगा ये एक्स की वैल्यू है, यदि हम इसमें इस नंबर को जोड़ देते हैं तो हमें ये नंबर मिल जाएगा ओके, ये हमारा क्या है आंसर है
फटाफट राइट करिए, ये एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ था, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर पांचवा था ये, फटाफट नोट करिए और कॉपी में मेंशन होना चाहिए, ठीक है।